बना है। हाँ चलिए बुक दो था। छ नंबर में कितने को दिक्कत है? ये 3 नंबर दिक्कत है। छ का तीन, हाँ छ का, छ का तीन ना ए। चलिए देखिए, छ में कौन सा नहीं बना हुआ है? टाइटली एंड बड़ा सा नहीं, लेकिन टाइट। एक बार जब थोड़े से लोग शुरू करा, ये लोग हो ना है ना लोग करें। कितने कोचिंग है सबसे? कोचिंग है तुम कितने बजे हो? फिर देखो, छ का तीन क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न का हर, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश उसके हर उसे घटा दिया जाए, तो भिन्न 11/3 हो जाती है। ठीक है, तो फिर मानना पड़ेगा ना। चलिए, तो माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर y, तो भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न x बटा y। दिक्कत प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, बात तो भिन्न की हो रही है, तो तुम चुपचाप पहले यहाँ पर अपना भिन्न लिख दो। अब जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दें, तो भिन्न का हर कितना है, किसमें जोड़ दें? अंश कौन है? तथा क्या कह रहा है, अब उसके हर उसके उस उसका अंश हर में से घटा दें, उसका अंश, तो अंश कौन है? एक। किसमें से घटा दें? हर में से घटा दें, तो भिन्न क्या होती है? 11/3 हो जाती है ना। चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x+y इंटू इक्वल 11 × y-x। चलिए, यार दिक्कत है किसी को? ऐसे गुना किए हैं कैचिया गुना, ठीक है, दिक्कत इसको बोलते हैं इसमें क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए गुना करिए, 3 में x है तो कितना हो जाएगा? 3x, और 3 से y में तो 3y, 11 से y में तो 11y, और 11 में से x में तो 11x। तो बुला लो सबको इधर, क्योंकि अंक बचा नहीं है, इसे सबको लेकर आओ एक बार में। 3x+3y-11y+11x इक्वल में 0। 3 को x प्लस में है और 11 को भी प्लस में है, u+u+ जुड़ेगा ना, 3 और 11 14x, और 3 को y में से 11 को y गया प्लस में, माइनस में क्या होगा? माइनस 8y बराबर में, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 निकाल तो छोटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 7x, आई कितना हो जाएगा? 4y बराबर में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो हमें क्या मिला? 7x-4y बराबर में 0। चलिए पुनः प्रश्न से, हाँ ये समीकरण हमारा एक हो गया। पुनः प्रश्न से क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसका अंश हर से 3 कम हो, उसका अंश अंश कितना? x, हर से हर कितना से कितना कम हो? 3 कम हो गया, बुला ले इधर, तो x-y=-3 समीकरण 2। चलो, तो समीकरण 1 तुमको यहाँ पता ही है, समीकरण 2 तुमको पता ही है, तो
तुमको जो विधि मन करे, लुप्तिकरण, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, अनुपात निर्णय, जो भी तुमको मन है लगाओ और एक सर्वाई का मान निकालो। ये तो कर सकते ना तक, हाँ करिए अभी जल्दी। यहाँ कौन बना सकता कर, यहाँ कौन बना सकता कर, यहाँ कौन बना सकता कर, लुप्तिकरण क्या, यहाँ चार वाई दिख रहा है, यहाँ का वाई दिख रहा है, चार गुना करो तो वाई से वाई कट जाएगा, क्योंकि इसका भी, इसका भी चिन्ह क्या माइनस है, इसका चिन्ह क्या माइनस है, घटाना पड़ेगा, वैसे कट जाएगा तो घटा लेंगे, हाँ बनेगा, कौन बनेगा, बनाओ तो ऐसे घटा दोगे, पहले बराबर करोगे, बराबर करने से क्या करोगे, किसको बराबर करना, एक्स को कि वाई को, वाई को, हाँ तो वाई में क्या गुना करना पड़ेगा, समीकरण दो में चार से, चार हाँ लिखो, लिखो चीज बराबर है ना, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बराबर देखो दिख रहा है ना, एक किधर चीन रहेगा तो कौन जो आसान दिखे, फिर ये नहीं कि अब एक दो चक्कर हीरो के चक्कर में फंसा लो अपने, जो आसान दिखे उसमें रख दो, एक में रखवा दिया था, बताओ सब इतना बार का यूट्यूब चैनल पर तुम लोग का फोटो आता है ओकरे बाद तुम लोग शेयर नहीं करता है, हम शेयर कर लेंगे अभी तो बोल रहे हैं, बताओ तुम लोग को हम प्रमोट कर रहे हैं, तुम लोग का चेहरा उसमें दिखा रहे हैं इसके बाद देखते कौन अपने ना स्टोरी पर लगाता है ना स्टेटस में लगाता है, चलिए देखे तो बैठ जाओ बैठो, यानी कि समझ में आया, लुप्तिकरण ही अप्लाई हुआ है,
यानी कि हमको वाई जो बराबर करना, हमको जिसको बराबर करना होगा, देखेंगे इसका इसका कोफिशियंट क्या है और इसका कोफिशियंट क्या है। तो इसमें सिर्फ वाई है, इसमें चार है वाई है, तो इसमें चार से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक और समीकरण दो को घटाना पर ठीक है, चार से गुणा कर देंगे चार एक्स। ठीक है, ठीक है, समीकरण एक में से, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना पर, एक में से दो घटा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये भी सही है, सही है, ये सही है। ठीक है, 28, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस दिन 104 बटा से, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे तुम लोग भी आके बनाओ ना क्वेश्चन, तुम क्या लड्डू खाने आते हो? अरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तुम लोग को 1 मिलियन लोग देखेंगे यहाँ आके बनाओगे सब, तो अब पर्दे के पीछे बैठे हुए सब क्या होगा? सही बात है कि नहीं बताओ, लोग तुमको पहचानेंगे, कहीं जाओगे तो वो लोग बोलेंगे भाई क्वेश्चन बनाता है लड़का। अब बताओ क्या चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम लोग को बुला रहे हैं, नोट करिए जल्दी। कहिए, हाँ बस जाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक 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 है, ठीक है, जाकर देख के उतार लोगे सब। चलो आगे देखो सब, 6 में अभी भी किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, 7 में क्या, तुम क्या बोल रहे थे 7 में? 3, ओए 7 कितने नंबर? तो कल बताए थे अंकों का योग, यानी x प्लस y बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। अब क्या कहता है कि अंकों का सम बदलने पर, तो संख्या क्या होती है, x प्लस 10y जब पढ़ो तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस y, तो 10x प्लस y ऊपर हो जाएगा। अब प्रदत्त संख्या मतलब कि जो संख्या पहले दिया गया है, कौन सी पहले संख्या दिया रहता है, x प्लस 10y, तो 10x प्लस y बट्टा x प्लस 10y बराबर में कितना है? 3/9 पढ़ो क्वेश्चन, 3/8 हो गया। फिर यहाँ से करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तब अपना फिर से सॉल्व करके ऊपर जो समीकरण बन चुका है, पहला समीकरण क्या होगा कि अंकों का ही होगा, यानी x प्लस y बराबर 9 पहला समीकरण हो चुका है। दूसरा तुम यहाँ से अपना क्लियर करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वहाँ जो बनेगा लुप्तीकरण लगा के अपना निकाल लोगे, कोई दिक्कत बनी? ठीक है, तो चलो तो 8 नंबर तक तुमको हम बताते हैं। ठीक है, कौन 7 का 6 देखो यहाँ क्या करें कि दो अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है, तो दो अंकों की संख्या, ठीक, और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है। तो मान लो कोई सेम प्रश्न है, इकाई क्या मानोगे, एक ढाई क्या मानोगे, वाई, तो संख्या क्या बनती है, एक्स प्लस 10y, और जब बदलोगे तो क्या बनेगी, 10x प्लस y, कह रहा है कि इनका योग, इनका योग कितना है, 99 है, तो सॉल्व कर लो तो 11 को x 11 y होगा, चेक कर लो, 11 को x और 11 को y, तो कॉमन लेके कट जाएगा, 11 से कट गया, हाँ ये समीकरण एक हुआ। हाँ अब आगे पढ़ो, है ना, अब क्या कर रहा है कि जो वांछित संख्या, वांछित संख्या मतलब मूल संख्या, ठीक, तो वांछित संख्या में 5 जोड़ दे, कितने जोड़ दे, तो वांछित संख्या में 5 जोड़ दे, यहाँ देखो सब 5 जोड़ दे तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़, अंक मतलब x प्लस y, अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम हो जाएगी। क्या कर रहा है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दे, ठीक, तो संख्या के अंकों का योग के 6 गुने से 4 कम हो जाएगी, जैसे कह रहे थे तुमको इसे लिख देना, सॉल्व कर लोगे, फिर यहाँ एक समीकरण आ जाएगा, एक समीकरण यहाँ बनी गया, हाँ जो मन कर लगा दो तो 7 बन जाएगा। ठीक है,
तो आठ नंबर भी जो है वो भी दो अंकों की संख्या वाला ही क्वेश्चन है, चेक कर लो। आठ आठ भी देख लो, दो अंकों की संख्या वाला ही क्वेश्चन है, है ना, दो अंकों की संख्या। तो आठ तक ट्राई करोगे सर, थोड़ा ईमानदारी करो सर, और जहाँ तक शनिवार तक शनिवार तक पढ़ाई हो जाएगा वहाँ तक का टेस्ट होगा, और टेस्ट में नंबर कम नहीं आना चाहिए, इसलिए रिविजन करो सर ध्यान से, ठीक है कदीराज, ठीक है। वीडियो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, अगर नहीं समझ में आया होगा तुम वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो, ठीक है। उससे अगर उससे भी नहीं समझ में आया तुम आके जब हम पढ़ाते हैं, मतलब जब वो छुट्टी उठी है तो कभी तुम आके फ़ोन करके कभी फ़ोन करके पूछ सकते हो। और पहली बात तो ग्रुप से कहे भागे हो, चुप ऐसे लिफ्ट दिखा रहा है, खाली छतरा ही करते रहता है। तो लेफ्ट दिखा रहा था ना, तुम्हारा दिखा रहा था और किसका दिखा रहा था, मोनू का दिखा रहा था। कोई इन्फॉर्मेशन ग्रुप बनाएगा कि उसमें दिया जाएगा या मान लो कुछ है उसमें डाल दिया जाएगा। अच्छा तो भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, मतलब इतना बड़का थी हो गया था, मतलब इनको पते ना रहता, रहते कहाँ थे इनको पते ना रहता। लॉगआउट लॉगआउट करो, मुझे व्हाट्सएप लॉगआउट करो, सब हैक्स ये आठ तक हो जाएगा, ऑप्शन दे रहा हूँ।